all experience morning rush to get to work, go to office and do household chores. और इन सभी चक्रों में हम बहुत ही simple और convenient thing को skip कर देते हैं. That is the first meal of the day, your breakfast. क्या breakfast को daily basis पर skip करना healthy है? What happens to your body if you skip breakfast daily or irregular? Let's do in more detail. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड. आई एम योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी एंड वेलकम बैक अगेन. इन इंडिया 72% ऑफ द पॉपुलेशन जो डेली बेसिस पे अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करती है, सिर्फ 3% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो असेंशियली अपने ब्रेकफास्ट को कंज्यूम करती है. एंड रेस्ट ऑफ द 25% ऑफ द पॉपुलेशन जो इरेगुलर रहती है अबाउट देयर ब्रेकफास्ट एंड अबाउट देयर अदर मील. इंडिया में ब्रेकफास्ट को इंडियन हार्ट भी कहा गया है. इट इज कंसीडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. दैट्स व्हाई आर ओल्ड्स आर सेइंग ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बफर. What happens if you skip breakfast? Breakfast literally means break the fast because of last night से morning तक किसी भी चीज़ को consume नहीं करते हो. तो अगर आप morning में meal नहीं लेते हो तो आपकी body fully charged नहीं हो पाती, आपका brain, body, muscles functions नहीं perform कर पाते और nutrients की कमी हो जाती है. और अगर आपकी बॉडी में उस टाइम पर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो फुल डे आपकी बॉडी उसे कंपनसेट नहीं कर पाती और आपकी सर्कैडियन रिदम बिटवीन द फास्टिंग एंड ईटिंग वो भी डिस्टर्ब हो जाती है. आपको मालूम है जब आप फुल नाइट स्लीप करते हो उस टाइम पर आपकी बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करती है, वो आपको क्लींस करने का काम करती है, डिटॉक्सिफाई करती है और रिपेयर भी करती है. तो इट मीन्स उस टाइम आपकी बॉडी ग्लूकोज को यूटिलाइज करती है इन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. बट आफ्टर 6 to 8 hours ग्लूकोज उसमें ख़त्म हो जाता है. एट दैट टाइम वो आपके ग्लाइकोजन स्टोर जो लीवर और मसल सेल्स में स्टोर होता है उसे यूटिलाइज करना स्टार्ट करती है. और विद इन 8 to 10 hours ये ग्लाइकोजन स्टोर भी डेट्यूरेट हो जाता है. तो उसके बाद आपकी मॉर्निंग होती है और ज़रूरी हो जाता है आपको फर्स्ट मील को कंज्यूम करना. लेकिन अगर आपने उसे स्किप कर दिया तो उस टाइम पर आपकी बॉडी, आपका सेरिब्रम, योर ब्रेन, आपके कोग्निटिव फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? बिकॉज ब्रेन तभी फंक्शन परफॉर्म कर पाता है जब उसे ग्लूकोज मिलता है. उसके बिना वो प्रॉपरली अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता. तो उस टाइम पर आपकी बॉडी फैटी एसिड्स को यूज़ करने लगती है, फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करती है. बट फैटी एसिड्स आर पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड, तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है आपकी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. तो उस वजह से जब आप लेट मील्स को कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज एकदम अनस्टेबल हो जाता है और पोस्ट प्रेंडियल ग्लाइसिमिक लेवल बहुत ही ज़्यादा रेज कर जाता है, जिसकी वजह से मोर फैट सेल्स आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लग जाते हैं. एंड दैट्स द रीज़न टीनएजर्स में आजकल एडिपोज सेल्स बहुत ही कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं और जिसकी वजह से वो लोग वेट गेन, मोर पुश टुवर्ड्स देयर बॉडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, वुमेन में इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, लो एनर्जी लेवल और कोग्निटिव फंक्शंस भी. कोग्निटिव फंक्शंस लाइक योर लर्निंग, क्वेश्चनिंग, मेमोरी, आपका आईक्यू लेवल कितना है, वो सारे बहुत ही ज़्यादा कम होने लग जाते हैं. आपको मालूम है अगर हम कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस की बात करें तो ग्लोबली 235 पीपल्स आर डाइड ओवर 1 lakh पॉपुलेशन, बट इंडिया में ये कंसंट्रेशन है 285 पीपल आर डाइड ओवर 1 lakh पॉपुलेशन बिकॉज मैक्सिमली इंडियन स्किपिंग देयर ब्रेकफास्ट, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में फैट सेल्स बढ़ने लगते हैं, आर्टरीज क्लॉग्ड होने लगती हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल रेज होने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन भी उनकी बॉडी में रेज होने लगता है. एंड दैट्स व्हाई 87% ऑफ द इंडियन पीपल आर डाइड
due to cardiovascular diseases. Now people think if they want to lose their body weight, तो उन्हें breakfast skip करना सबसे easy method लगता है. But आपको मालूम है अगर आप एक healthy breakfast को consume कर रहे हो, तो उस time पर आप लगभग 250 से 350 calories को consume करते हो. और अगर आपको 1 kg body weight lose करना है, तो आपकी body को 3500 calories को burn करना पड़ता है 1 kg वजन कम करने के लिए. तो वो सिर्फ ब्रेकफास्ट को स्किप करने से तो नहीं होने वाला. इसकी वजह से आप अपनी बॉडी को पुअर हेल्थ के टुवर्ड्स मोर पुश कर रहे हो. सो इट्स बेटर नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट. नाउ फ्यू ग्रुप्स ऑफ पीपल जिन्हें अपने ब्रेकफास्ट को कभी स्किप नहीं करना चाहिए. नंबर 1 इज योर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 8 to 10 years, 11 to 15 years and the college student. Number 2 is women jinhe PCOD, PCOS ki dikkat hai aur which are having irregular menstruation ya fir jinhe menstruation ke time par bahut hi zyada pain hota hai. Number 3 is your athletes. Number 4 which are having very stressful job. Number 5 which are having very low immunity. इन कैटेगरीज को कभी भी अपने ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना चाहिए. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमिंग ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट कंज्यूम करने से फर्स्ट थिंग यू किक स्टार्ट योर डे बाय ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक योर थायमिन, नियासिन, विटामिन ए, विटामिन डी, फॉलिक एसिड और बहुत ही अच्छी अमाउंट में ये आपकी बॉडी में एसिमिलेट भी होते हैं. इसके साथ ही ये आपको हेडेक और एसिडिटी फुल डे में नहीं होने देती. अगर आप ब्रेकफास्ट को मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं तो ये फुल डे आपको एनर्जाइज रखती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करती है, स्ट्रेस हार्मोन को लो करती है और उसके साथ ही आपकी स्टाइटी को भी इंक्रीज करती है. मीन्स फुल डे आपको ये हंग्री होने से बचाती है, आपको काफ़ी लंबे टाइम के बाद ही भूख लगती है और उस टाइम पर आपका कुछ बढ़िया ही खाने को दिल करता है, आपका मंचिंग और बिंजिंग करने का दिल नहीं करता. नाउ व्हाट इज एन आइडियल ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट गिव्स योर बॉडी 30-35% ऑफ द एनर्जी. एन आइडियल ब्रेकफास्ट कंटेन 1 protein snack, 1 milk और एनी अदर मिल्क प्रोडक्ट, 1 whole grain होना चाहिए. अगर आप फ्रेश फ्रूट लेना चाहते हैं तो होलसम फ्रेश फ्रूट लेना ले सकते हैं. एंड इफ़ यू आर हैविंग टाइम देन जस्ट स्क्वीज अ फ्रूट और आप उसका जूस भी ले सकते हैं. दिस इज़ अ परफेक्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट जो आपको डेफिनेटली मॉर्निंग में कंज्यूम करना चाहिए. नाउ सम ब्रेकफास्ट ऑप्शंस. इफ यू आर इन अ हरी जस्ट ग्रैब अ फ्रूट एंड स्टार्ट ईटिंग इट लाइक एप्पल, बनाना, पियर, आप इन्हें ले सकते हैं. अगर आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है और आपका कुछ पीने का दिल कर रहा है, देन जस्ट पोर अ मिल्क इन अ वाटर बॉटल एंड स्टार्ट ड्रिंकिंग इट. और अगर आपके पास ब्रेकफास्ट को बनाने का टाइम नहीं है और कुछ अच्छा खाने का दिल है, तो आप जब शावर लेने जाते हैं उस टाइम से पहले आप अपने एग को बॉयल होने के लिए रख सकते हैं, ताकि जब आप शावर लेकर आएंगे आपके बॉयल्ड एग रेडी होंगे, तो उस पर आप पीनट या फिर आलमंड बटर लगाकर कंज्यूम कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर हैविंग अ सफिशिएंट टाइम, तो आप कोई भी ओट मिल, स्मूदी या फिर फ्रेश पोहा, चीला, रोटी, कोई भी चीज़ उस टाइम पर आप बना सकते हैं पराठा और उसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं. बट मेक श्योर मॉर्निंग में आपको कोई भी कैंड, टिंड, पैक्ड या फिर कवर्ड आइटम्स को नहीं कंज्यूम करना. इस टाइम पर आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और न्यूट्रिशियस मील को ही अपने अंदर जाने देना है. सो नाउ जस्ट स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस एंड राइज, ईट एंड शाइन लाइक अ सन. Thanks for watching the video. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो then please like the video और इस वीडियो को share करना and subscribe my YouTube channel और उसके साथ जो bell icon है उसे ज़रूर press करना. I'll meet you in the next video. Till then, take care, be healthy, be safe. Let the food be your medicine, not medicine be your food. और हाँ, if you want any customization of diet plan, then you can go to my website, that is www.dietitiandrhappy.com. आप वहाँ पर जाकर अपनी कोई भी क्वेरी ले सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग और आप वहाँ पर जाकर डायरेक्टली मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं. So thanks for watching the video. I'll meet you in next video.
बाय बाय।